कहियो अपन गंदगी लेल बदनाम, आज मिथिला टा में नहीं बिहार टा में नहीं बल्कि देश विदेश में अपन सुंदरता ले जानल जाइए। नमस्कार, हम स्नेहा झा अहाँ सबके स्वागत कर रहल छी अहीं सबके मधुबनी स्टेशन से। हमसब अपन यात्रा में इम्हर से गुजरे छलहुँ तऽ अजके जैसे एक निरीक्षण में आबि गेलहुँ जे देखिए एतुका स्थानीय लोक ओतबे महत्व अपन स्टेशन के अपन चीज के दऽ रहल छथि या नहि, जे देश विदेश में अपन नाम सुंदरता ले बनेने अछि ओहि सुंदरता के एतय महत्व भेट रहल छै या नहि। हालांकि मिथिला मिरर स्टेशन के मधुबनी पेंटिंग के बहुत बारीकी से पहले हो वीडियो अहाँ सबसे साझा कऽ चुकल अछि, लेकिन आई ई रथ का व्यू जे छै, ई रथ का जे दृश्य छै से देखाबै लेल हम सब फेर से आइ मधुबनी स्टेशन पर छी और आगू बढ़ैत जायब। एखन हम ई निकास द्वार पर छी जाहिके ऊपर में उगना विद्यापति प्रसंग के एतेक नीक सुसज्जित पेंटिंग बनायल गेल अछि एतुका स्थानीय लोक द्वारा, एतुका स्थानीय कलाकार द्वारा। ओ सब अपन श्रमदान देने छथि बिना कोनो पारिश्रमिक के और ई उगना प्रसंग उगना विद्यापति प्रसंग जे बनायल गेल अछि एहिमे उगना के केना ओ उगना जे छै केना महादेव विद्यापति लेल अपन एतय आयल छथि और केना हुनकर सेवा में रहल छथि एक एकटा दृश्य के बहुत नीक से सजायल गेल अछि और देखायल गेल अछि। और एतै से धीरे धीरे हमसब आगू बढ़ब और एक एकटा पेंटिंग के देखायब और बतायब जे केना एक एकटा कला एक एकटा संस्कृति के बहुत नीक से मधुबनी पेंटिंग पर बहुत नीक तरीका से देखा देल गेल अछि जे मिथिला में की संस्कृति छै की कला छै हमर सबके की विध व्यवहार अछि, हर विध व्यवहार के पेंटिंग द्वारा सुसज्जित कयल गेल अछि और ई अपन इच्छा से एतुका स्थानीय कलाकार केने छथि। और इहो कहब कि ई बहुत नीक देखलिए आबि कऽ अंदर में जे एतय साफ सफाइ में कोनो कमी नहि छै, कियाकि ई जे सब बनेलथि अपन श्रमदान देने छथि ओकर भरपूर महत्व एतुका स्थानीय लोको शायद दऽ रहल छथिन और हमसब देख सकै छी जे पूरा साफ सफाइ छै। आगू बढ़ब पूरा आरो पेंटिंग सब देखायब। आब हमसब निकास द्वार सँ कनी आगू आबि गेल छी और अपन बाया तरफ सँ देख सकै छियै जे नंबर वन एक एक नंबर कऽ कऽ देने छथिन पेंटिंग के और सबसे पहिल नंबर पर छै पिट्टो खेलता हुआ बच्चा। शायद गाम घर में या पहले बच्चा सब इएह खेल सब खेलैत रहै, आइ मोबाइल के जेनरेशन आबि गेल यऽ, बहुत जमीनी स्तर सँ लोग मॉडर्न भऽ गेल यऽ, बच्चा सब आब मोबाइल छोड़ि कऽ शायद कोनो खेल या कोनो चीज नहीं बुझै छथिन, पर पहले ही पिट्टो और ओहि के बाद टायर चलाता हुआ बच्चा शायद एहि सब में भरपूर आनंद भेटै छलै बचपन के, जे आब धीरे धीरे हटि गेल यऽ और हरा चुकल छै। आब लोग आब के बच्चा सब मोबाइले में हरायल रहै छथिन। आगू बढ़ब तेसर नंबर पर छै जाल फेंकता हुआ मछुआरा। मिथिला के जखन नाम आबै छै तऽ माछ और मखान, तऽ ओ माछ के एते नीक सँ मछुआरा सब जे जाल फेंक कऽ माछ पकड़ै छथिन तऽ दृश्य के मधुबनी पेंटिंग द्वारा अपन मिथिला के की महत्व छै माछ के से बहुत नीक सँ दर्शायल गेलै। ओहि के आगू कनी पिट्टो के नीचा ओतऽ कितकित के खेलो के बहुत नीक सँ दर्शायल गेलै जे साधारणतः लड़की सब खेलाइ छलथि हँ, जहिना पिट्टो खेलाइ छलथि हँ लड़का सब तऽ लड़की सब लए बहुत सारा खेल छलै जाहिमे एकटा कितकित बहुत ज्यादा नामी छलै और सब खेलाइतो छलै। आगू बढ़ब ओतऽ बनायल गेल छै झरनी, इहो मिथिला के कला संस्कृति छै और एकरा बहुत नीक सँ दर्शायल गेल छै झरनी। और आगू बढ़ब तऽ हमर ऊपर मे चारि नंबर पर अहाँ सब देख रहल छियै जे धोबी घाट छै, ओ हमर सबके गाँव के सबके कपड़ा लत्ता जे छै से ओतऽ धोबी घाट पर धुआत रहै, तऽ पहिले ई धोबी घाट एना रहै छलै और एखनो छै शायद, लेकिन बहुत आब कम गेल छै, लेकिन गाँव में पहले ई धोबी घाट बनैत रहै। कते नीक से दर्शायल गेल छै केओ कपड़ा धो रहल छथि केओ सुखा रहल छथि, ओतऽ जे छै गाछ घास चढ़ि रहल अछि, तऽ ई सब दृश्य आब बहुत कम देखल जाइ छै। पाँच नंबर पर छै दाढ़ी बनाता हुआ नाई। पहले जे छै अपन आसपास के टोल में हजाम के जे टोल रहै छलै नाई के टोल ओतऽ भेटे जाइ छलै और गाछ के तौर में हुनकर सबके सैलून रहै छलै, आब बड़का बड़का ब्रांड सैलून ई सब बनि गेलै हँ। पहले अहिना वृक्ष के नीचा में सब इएह सैलून छलै और एतै लोग जाइ छलखिन हँ, ओही ठमन गाँव के तरह तरह के बातोचीत होइ छलै, जहाँ सब दृश्य में बहुत नीक सँ देख सकै छी कि एक के बाद एक सब लाइन में ठाढ़ छथिन और केओ बैस कऽ दाढ़ी बनवा रहल छथि, ओहि के बाद हुनकर नंबर एतनि। धीरे धीरे हमसब आगू बढ़ि रहल छी और एक सँ दू, दू सँ तीन, तीन सँ चारि, पाँच और ई छठा नंबर पर सभागाछी सौराठ सभागाछी
के दृश्य बनाएल गेल अछि, चित्र बनाएल गेल अछि एतुका स्थानीय कलाकार द्वारा। और हम बता दी अहाँके कि पहिले पहिले जे छै से ब्याह दान एहि सौराठ सभा गाछिएमे तय होइ छलै हँ। तऽ आबै छलै सुयोग्य कन्या लए, सुयोग्य वर ताकऽ लए कन्यागत के पिता सब आबै छलथि हँ, आओर ओतऽ बैसिकऽ जे छै से अपना बेटी लए सुयोग्य वर खोजिकऽ लऽ जाइ छलथि हँ, आओर ब्याह अहिना तय होइ छलै। आइ बहुत सारा साइट छै e.com o.com पर पहिले सौराठ सभा गाछिएसँ बेटी लए अपन सुयोग्य वर खोजिकऽ पिता सब जाइ छलथि हँ, आओर ओहिना ही ब्याह फिक्स एतुका ब्याह तय होइ छलै हँ। सभा गाछी के बाद एतय अहाँ सब देख रहल छियै जे ई वृद्ध वाचस्पति ई अपन सबके मिथिला के विद्वान पंडित छलथि हैं, और ई जे छै से अपने तय कऽ चुकल रहथि कि ई सन्यासी जीवन बितेता, सन्यासी जीवन बितेता। ताहि लेल हिनकर माता श्री के इच्छा भेलनि कि हिनकर विवाह होनि, और लगे के एकटा कन्या संगे हुनकर विवाह ठीक करै छथिन। तऽ ई अपन होबय वला ससुर के पत्र लिखै छथिन जे हम सन्यासी जीवन व्यतीत करब, ताहि दुआरे ई ब्याह अहाँ सब अपना तरफ सँ तोड़ि दियो। मुदा ओ पत्र जहन हिनकर भामती के पिता पढ़े रहथिन तऽ भामती सुनि लै छथिन और ओ तय करै छथिन जे हम हिनके सँ विवाह करब। तऽ ई हमर सबके मिथिला के बहुत बड़का विद्वान छथि। तभी भामती ने आ दीप सहेज दिया था, उकसा कर बाती प्रकाश को तेज किया था। अब आगू बढ़ब मछली के रास्ता, रास के मधुबनी पेंटिंग में अपन एकटा अलगे महत्व छै। से कृष्ण रास कहियो, माछ रास, मछली रास कहियो, रास से जानी पेंटिंग बनै छै तऽ देखा में अपन एकटा अलगे पहचान बनाबै छै और इत्ते आकर्षित करै छै आवा जाय वाला के कि हम सब मजबूर भ जाय छी एकरा रुकि कऽ देखा लेल। ई कतेक सुंदर एक के अंदर बनायल गेल छै, देखियो मछ दू दू टा तीन तीन टा माछ के जे छै से जोड़ि कऽ एकर कतेक सुंदर रास उभारल गेल छै अपन कला सँ। माछ के रास के बाद आब आबि गेल डोली कहार। डोली कहार जे मिथिला के बेटी के बिदागरी पहले डोलिए में होइ छलै, आब बहुत सारा साधन छै, बहुत गाड़ी छै, लोक तरह तरह से सजा कर जाइ छै, लेकिन पहले डोलिए के सजायल जाइ छलै और ओही में बेटी बैस कऽ अपन सासुर जाइ छलथि हैं। और ई देख रहल छी अहाँ सब डोली कतेक सुंदर बनायल छै, ओहिमे बेटी बैसल छथि और दूटा कहार आगू पाछू ओकरा लऽ जा रहल छथिन। तऽ ई दृश्य के ते नीक सँ उभारल गेल छै और ई बिदागरी के दृश्य अपने में एकटा अलग दृश्य होइ छै। बेटी लेल शायद अपन बचपन पूरा बितायल जगह के छोड़ि कऽ जाय वाला ओ दिन बहुत बड़का दिन होइ छै, और एहि दिन के ते नीक सँ अपन कला सँ उभारने छथि एतुका कलाकार सब, जे मतलब देख देख कऽ बार बार मोन करैए जे हिनका सबके कहियनि कतेक बड़का श्रमदान ई सब देने छथिन मधुबनी स्टेशन लेल, अपना जगह लेल तकर कोनो तुलना नहि छै। डोली कहार के बाद ई मिथिला के त्यौहार आबि गेल जे होली, मिथिला के प्रमुख त्यौहार में सँ छै जेकि फागुन में होइ छै। और ई खेल के पहले लोक मतलब बहुत नीक सँ खेलाइ छलै, आब तऽ धीरे धीरे लोक के समय के कमी या कहियो जे ओ जे इंसान के अपनत्व तो छलै से कमल जा रहल छै, तऽ त्यौहार सबके महत्व धीरे धीरे ओतबे कमल जा रहल छै। पहले साइड जीजा सब कतेक तरह से मने होली खेलायल जाइ छलै और एते नीक लागै छलै। आब होली के त्यौहार आबै छलै तऽ बहुत बड़का बात छलै, पर अभी धीरे धीरे त्यौहारो के महत्व ओतबे कमल जा रहल छै जते इंसान के जिंदगी मे अपनत्व कमल जा रहल छै और समय के कमी भेल जा रहल। एखन जे चित्र अहाँ सब देख रहल छियै ओ छै मिथिला के हाट। मिथिला के हाट हमेशे से प्रसिद्ध छै और ई एखनो लागै छै, ओना तऽ हर चौक पर, हर एक दू गांव के चौक पर ई लगते छै एखनो। अरे हाट मे अहाँ सब देख सकै छियै कोनो एहन चीज नहि छै जे घर के चीज कहियो या जे एहन कोनो चीज नहि छै जे हाट मे नहि भेटत। माटि सँ बनायल बर्तन, माटि के बर्तन, माछ, झिल्ली, कचरी, सब्जी, साग, सब किछु हर चीज एहि हाट मे अहाँके भेटत। और ई इएह बता रहल छै जे ई हाट छियै और ई मिथिला के हाट। ई चित्र मिथिला के लोक नेत्र झिझिया के छी, जे डैन जोगिन या नजर गुजर सँ बचाबै लेल ई कयल जाइ छलै, और ई मिथिला के बहुत बड़का लोकप्रिय नृत्य छलै जे धीरे धीरे विलुप्त भऽ गेलै और लोक जानितो नहि छै, आधा सँ ज्यादा जन के जानकारी मे नहि छै ई चीज जे झिझिया हमर सबके लोकनृत्य छी। और आगू बढ़ब आरो देखाबै छी आगू। ई जे चित्र छै ई मिथिला के पहिले के जे परम्परा रहै जे
बेटा के ब्याह होइ छलै और अक्सर बेटा सब बाहर कमाई खटाय ला जाय छलखिन हैं और हुनकर जे घरवाली छथिन या पत्नी छथिन ओ एते अहिना बैस कर प्रतीक्षा करैत रहै छलखिन कि कहिया ओता और कहिया हमरा ले कि सनेस ल क एता और मोटा मोटी जते सुना ले ओइमे दुर्गा पूजा आबै छलै त लागै छलै कि पूजा में एथिन तो ई एतबे नीक सँ जे ई दिल के बात लिखल गेल छै तुम कब आओगे तो अहिना ई रेलगाड़ी जाइत रहै छलै और अहिना स्त्रीगण सब जे छै से प्रतीक्षा में रहै छलै जे कहिया हुनकर घर वाला एथिन और ओ फिर अपन शादीशुदा जिंदगी के कनी दिन जीती और फिर कनी दिन रही का फिर घर वाला कमाई ला चल जथिन और हिनकर प्रतीक्षा अहिना रहतनि जहिना ई चित्र बनायल गेल छै तऽ ओ पहले के जे परम्परा रहै ओकरा एते नीक सँ चित्र में कला से दर्शायल गेल छे ई दृश्य मिथिला के आंगन के छी जता किछ त्योहार और किछ घरेलू काज सब जे छे तकरा चित्र के अथी से दर्शायल गेल छे देखरियो त धान कुट रहल छे दूटा जे महिला छे तो मिलकर चूड़ा कुट रहल छे तो खर समाट में ओइसे कनी आगू भरदुतिया के जे त्योहार छे तीज छे या अपन सके पावन छे भरदुतिया तकरा चित्र के अथी से माध्यम से एते नीक से दर्शायल गेल छे भाई बैसल छे पीढ़ी पर आरो पान हाथ पर राख का पान सुपारी और फूल से भरदुतिया मनायल जा रहल छे एनाही एक एक टा नियम के ओता दर्शायल गेल छे जतेक अपन सके घर आंगन में विध व्यवहार होइ छे या काज करै छलथि महिला सब पहले एते ज्यादा काज करै छलखिन महिला सब धान कुटनाय चाउर कुटनाय ई सब पहले के नियम में छलै करते छलखिन आगू बढ़ब ओइसे नीचा में ई कृष्ण रास के दृश्य छै और एहिमे राधा कृष्ण झूला पर बैसल छै और ई कृष्ण रास के एते नीक सा चित्र एते नीक सा बनायल गेलै और दर्शायल गेलै जे गोपी सब कोन कोन में गोपी सब ठाढ़ छै नृत्य कहल छै सब मगन छै और एत राधा और कृष्ण एत झूला पर बैसल छै ओहि रास के बहुत नीक सा कला के द्वारा एहि चित्र द्वारा एते नीक सा ई वृक्ष के नीचा में झूला लागल छै और राधा कृष्ण बैसल छै एहि रास में सबटा चित्र के बहुत नीक सा दर्शायल गेल अछि आगू बढ़ब ई चित्र सीता स्वयंवर के छी जखन जनक जी अपन पुत्री लेल वर ढूंढा लेल शिव धनुष तोड़ के ओते बड़का यज्ञ रखला और राम जी ओहि धनुष के तोड़ कर सीता जी से विवाह लेल योग्य वर बनला और ई वहा दृश्य के दर्शा रहल है जखन स्वयंवर होइ छन और ई माला पहिरा पढ़ाबै छथिन सीत जनक दुलारी श्री रामचंद्र जी के वहा दृश्य के एतबी छोट में एते नीक सा दर्शा देने छथिन एतुका कलाकार चित्र में मिथिला के और एकटा पावन राखी जे भाई बहिन लेल सबसे बड़का पावन कहियो या त्यौहार कहियो या नियम कहियो सबसे बड़का जखन बहिन के ई इंतजार रहै छन जे हमर भाई आयत या कतबो दूर रहत रह किछ रहत लेकिन भाई पहुँचे छथिन और ई राखी भाई बहिन ला बहुत बड़का त्यौहार छे ओकर एते नीक सा पूरा चित्र में दर्शायल गेल छे कोनो में आरती उतार रहल छथि त कोनो में राखी बांध रहल छथि त कतौ टीका लगा रहल छथि जे राखी के नियम छे ओकरा बहुत नीक सा ई चित्र में दर्शा देने छथिन कलाकार सब स्टेशन के पूरा निरीक्षण के बाद ई लागल जे भारत में जे दोसर स्थान प्राप्त केलक अपन सुंदरता और साफ सफाई ला मधुबनी स्टेशन एखनो ओ एतुका लोक स्थानीय लोक और बाहर से आबै जाय सब लोग एकरा बरकरार रखने छथि स्टेशन पर कोनो गंदगी नहीं छे पूरा साफ सफाई छे एतय डस्टबिन राखल गेल छे कूड़ादान राखल गेल छे कूड़ा फेंकल लेल और सब वही में जाकर फेंकै छथि ई देख कर नीक लागि रहल है जे स्थान एकरा भेटल छे तकरा बरकरार एतुका लोक राखि रहल छथि आगू हमसब बढ़ब आगू स्टेशन मास्टरों सब पूछबनि जे एतुका साफ सफाई लए की करऽ पड़ै छनि या केना की असुविधा कोनो असुविधा होइ छनि या नहि या एतुका लोको ओतबे बढ़ि चढ़ि कऽ हिस्सा लै छथि एकरा साफ राखऽमे या हुनकर की कहनाम छनि आगू चलब हुनकासँ बात करब आबि गेल छी स्टेशन मास्टर के केबिन मे मधुबनी स्टेशन मास्टर के केबिन मे और सरसँ पूछबनि जे की केना स्टेशन के एते साफ सफाई राखऽमे की केना दिक्कत आबै छनि या जनता सब की अपील करऽ चाहै छथिन लोग सब की अपील करना चाहते थे सर की नाम मेरा नाम जगदम्बा प्रसाद है स्टेशन अधीक्षक मधुबनी यहाँ सर सफाई मधुबनी पेंटिंग स्टेशन के वाल पर बनने के बाद ये स्टेशन पूरे बने भारत वर्ष में दूसरे नंबर पर रहा इसको अवार्ड भी मिला और उसके बाद हम लोग इसके सर सफाई पहले बहुत ही 405वां पायदान पर था लेकिन हम लोग वॉल पेंटिंग और सर सफाई के व्यवस्था अच्छा करके इसको देश भर में दूसरे नंबर पर लाए और उसके बाद हम लोग कोशिश पूरी तरह करते रहते हैं कि
ताकि इसकी मैंने सर सफाई डिटोरिएट न करे। और पैसेंजर से यात्रियों से हमेशा अनाउंस कराते रहते हैं कि आप साफ सफाई रखें और दूसरे को भी स्टेशन को साफ सुथरा करने में अपना सहयोग दे, यात्री भी सहयोग करे, तभी स्टेशन साफ सुथरा रह सकता है। और बाकी सर सफाई कर्मचारियों द्वारा पूरे लगन से पूरे इसी से मेंटेन रखते हैं। जैसे कि हम सब जानै छी कि भारत में जे दोसर स्थान पर स्टेशन आबि गेले सुंदरता में कहियो या जेहो कहियो, त आके की लगे एतुका लोको में उत्सुकता छै अपन स्टेशन के साफ राखल लेल, जे भारत में एकर नाम छै त माने हमरो सब के स्टेशन ओ सब एते उत्सुक छथिन, ओ सब छथिन एते अथी रिस्पांसिबल? हाँ, लोगों में पहले शुरुआत में उतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन उसके बाद हम लोग इंक्वायरी से बार बार उसको मैंने रिले कराते थे कि आप स्टेशन को साफ सुथरा रखें और साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करें। उसके पहले से लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है, लेकिन फिर भी कुछ यात्री हैं जिनको उतना ज्ञान नहीं है, जो रूरल क्षेत्र से आते हैं, वो जहाँ खाते हैं वहीं अथी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी सफाई कर्मियों द्वारा या हम लोग जो सर सफाई की व्यवस्था देखते हैं उनके द्वारा भी काउंसलिंग किया जाता है, पैसेंजर को बताया जाता है, जागरूक किया जाता है कि आप स्टेशन को साफ सुथरा रखें ताकि मधुबनी स्टेशन की गरिमा बनी रहे और हमारा स्टेशन उससे माने कि निचले माने उससे नीचे कहीं नहीं आए, पहले जो जिस पोजीशन पर था। अहाँ की यात्रा मंगलमय होए, जहिना ई शब्द पढ़ि कऽ मैथिली के ई शब्द पढ़ि कऽ मन हर्षित भऽ जाइए, तहिना ही ई स्टेशनों के देख कऽ ओतबे मन प्रफुल्लित होइए। जखन ई मिथिला पेंटिंग सँ सुसज्जित ई मधुबनी स्टेशन हमसब देखै छी और एखन आबि कऽ अंदर के साफ सफाइयो देख कऽ ओतबे मन प्रसन्न अछि, तऽ हम सबसे ई कहऽ चाहबनि जे जहिना ई कलाकार सब अपन श्रमदान दऽ कऽ एहि स्टेशन के भारत में द्वितीय स्थान प्राप्त करेलथि, तहिना अहूँ सब अपन अपन जे छै से दान दैत रहियो, अपन अपन सहयोग दैत रहियो और एहिना साफ सुथरा राखैत रहियो और ई और आगू जाए कर नाम और विश्व में फैलैत रहे तकरा बरकरार राखी। हम सब सहयोगी राजीव चौधरी संग स्नेहा झा, मधुबनी स्टेशन।